हेलो एवरीवन। चलो आज की इस क्लास में मेंस की डीआई करते हैं। हम एक मेंस की अच्छी खासी डीआई है आपकी, यहाँ तक है ये आपकी डीआई। ट्राई करते हैं एक बारी, देखते हैं कि किस तरीके से हम इस डीआई को हम अपने बना। ठीक है, चलो देखिए क्या क्या गिवन है। देर आर 450 स्टूडेंट, 450 स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट गिवन है, ये कितने डिपार्टमेंट है? 2 3 चार डिपार्टमेंट है। चार डिपार्टमेंट कौन से हैं? ये हैं। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर, सबको अलग अलग कलर पसंद है। ठीक है, ओके। देर आर 100 स्टूडेंट्स लाइक रेड कलर, एंड रेशियो ऑफ देम स्टूडेंट हु लाइक ब्लू इन CSE टू मैक। ठीक है, चलो एक बार डिपार्टमेंट के नाम लिख लेते हैं। CSE, यहाँ पे लिख लेते हैं CSE। एक तो हमारा CSE हो गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास CSE ECE ECE, हमारे पास एक कलर है CEC, और डिपार्टमेंट है EEEE। हमारे पास एक डिपार्टमेंट है EEEE, एंड द लास्ट वन इज मैक MECH, MECH मैक। ये चार डिपार्टमेंट है, एंड ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर, रेड ब्लू येलो पिंक। हर एक जो है वो अलग अलग कलर पसंद करता है। रेड ब्लू येलो पिंक कलर यहाँ पे गिवन है। देर आर 100 स्टूडेंट्स लाइक रेड कलर, एंड जो रेड कलर पसंद करने वाले हैं, 100 स्टूडेंट लाइक रेड कलर। ठीक है, रेड कलर जो पसंद करने वाले हैं वो 100 है। यानी अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेड। ठीक है, ये रेड वाले हो गए। अगर रेड वाले की टोटल यहाँ पे देखें तो कितने होंगे रेड वाले? टोटल होंगे 100। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ब्लू इन CSE और मैक, CSE मैक, ब्लू कलर की बात हो रही है यहाँ पे, ब्लू CSE मैक। रेशियो किसका है? CSE और मैक का रेशियो है। यहाँ पे लिख लेते हैं रेशियो कितना कितना गिवन है। 4 5, यानी ये 4A हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 5A। ठीक है, ब्लू कलर यहाँ पे गिवन था, और दो कलर और है, पिंक और येलो। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक येलो इन EEEE डिपार्टमेंट इज 5 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ब्लू इन मैक डिपार्टमेंट। अब देखो, जो स्टूडेंट है EEEE के अंदर येलो के, वो 5 ज़्यादा हैं ब्लू मैक से। EEEE येलो, येलो येलो हो गया। EEEE के 5 ज़्यादा हैं मैक ब्लू वाले, यानी मैक ब्लू वाले 5A से 5 ज़्यादा हैं, तो 5A+5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आउट ऑफ 10% ऑफ द टोटल स्टूडेंट लाइक पिंक इन EEEE। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कह रहे हैं कि आउट ऑफ 10% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स लाइक पिंक इन EEEE। अब टोटल स्टूडेंट 450 है, इसका 10% कितना होगा? 45 हो जाएगा। 10% से 00 कट जाएंगी, 45 आ गया। यानी 45 स्टूडेंट है जो EEEE पिंक के हैं, EEEE पिंक। तो एक पिंक रह गया था, यहाँ पे पिंक भी लिख लिया। अब EEEE पिंक के आ गए आपके पास में 100 नहीं, कितने आ गए थे? 45। तो 45 लिख लेते हैं यहाँ पे, 45 स्टूडेंट, ये आ गया, वैल्यू आ गई। ठीक है, विच इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक येल्लो इन मैक। येल्लो इन मैक से वो 10 ज़्यादा हैं, यानी ये 10 ज़्यादा हैं येल्लो इन मैक। येल्लो इन मैक में कितने होंगे? 35 होंगे, तभी तो 10 ज़्यादा होंगे वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हो गया 35। अब देखिए आगे,
रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक येलो इन मैक और स्टूडेंट ब्लू ई सी ई। येलो इन मैक कितने हैं? रेशियो है 7:10। येलो इन मैक 35, यानी 7 की वैल्यू 35। अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो 7:10 है। 7 की वैल्यू अगर 35 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 की वैल्यू अगर 35 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5। और 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। 10 की वैल्यू 50 किस में है? 50 ब्लू ई सी ई। ब्लू ई सी ई कितनी हो जाएगी? 50। ठीक है, तीन वैल्यू हमारे पास फिक्स आ गई है, ये 50 हो गया अपने पास। उसके बाद में रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट रेड सी एस सी और ट्रिपल ई 3:2। रेड सी एस ई ट्रिपल ई 3:2। सी एस ई ट्रिपल ई 3:2। सी एस ई ट्रिपल ई 3:2। ट्रिपल ई 3:2। ये 3B और 2B हमने लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक रेड कलर ई सी ई डिपार्टमेंट। रेड कलर ई सी ई डिपार्टमेंट इज 10 लेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ब्लू इन द सेम डिपार्टमेंट। ब्लू ई सी ई से ब्लू ई सी ई कितना है? 50। और वो कित 10 लेस है ब्लू से, 10 लेस है तो ये 40 हो जाएगा। यहाँ पे फिक्स आ गई वैल्यू आपकी 40। ठीक है, अब आगे देखो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ब्लू इन ट्रिपल ई। ब्लू इन ट्रिपल ई यानी इसकी बात हो रही है यहाँ वाले की। ब्लू इन ट्रिपल ई डिपार्टमेंट विच इज 5। डिपार्टमेंट इज 5। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ब्लू इन ट्रिपल ई डिपार्टमेंट इज 5। विच इज 5, वो सिर्फ 5 है। विच इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक रेड इन मैक। वो सिर्फ 5 है, ये 5 है जो कि हाफ है रेड इन मैक। रेड इन मैक में कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ठीक है, 10 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर आप ये यहाँ से सिर्फ रेड रेड का देखोगे, सिर्फ रेड का, तो रेड में कितना हो गया? 3B प्लस 2B प्लस 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 100। 40 प्लस 10 कितना हो गया? 50। 50 दूसरी साइड आके माइनस हो जाएगा, 100 में से 50 माइनस होगा, 50 बचेगा। 3 टू 5 बी, 5 से 50 काट दोगे तो 10 आ जाएगा। b की वैल्यू 10 आ गई, b की वैल्यू 10 आ गई। अगर b की वैल्यू 10 आ गई तो ये 30 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब देखो, रेड तो कन्फर्म आ गया सारा, ठीक है, रेड तो कन्फर्म सारा आ गया। चलो आगे करते हैं। अब सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक रेड सी एस ई डिपार्टमेंट। रेड सी एस ई डिपार्टमेंट जो कि 30 है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ब्लू ट्रिपल ई डिपार्टमेंट इज इक्वल ट्रिपल ई 5, यानी ये 5 है, यानी ये दोनों कितने हो गए? 35 हो गए। वो इक्वल है, किसके इक्वल है? नंबर ऑफ स्टूडेंट पिंक ई सी ई, पिंक ई सी ई के इक्वल है, यानी पिंक ई सी ई कितना आ जाएगा? 35। पिंक ई सी ई 35 आ जाएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक येलो ट्रिपल ई इज 5 लेस। येलो ट्रिपल ई यानी इस वाले की बात हो रही है, इज 5 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक पिंक ई सी ई। पिंक ई सी ई, पिंक ई सी ई, ये रहा पिंक ई सी ई, वो 5 कम है पिंक ई सी ई से। पिंक ई सी ई 35 है तो ये 5 कम होगा, यानी 30 होगा। अब यहाँ से समझो, 5A प्लस 5 अगर 30 है तो 5A कितना हो जाएगा? 25। A की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर A की वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ से A की वैल्यू पुट कर देंगे, 5 4 20, 5 5 25 आ गई। तो ये वैल्यू भी आ गई, ये A की वैल्यू भी आ गई थी यहाँ से, ये वैल्यू भी आ गई, तो ये सारा भी फुल हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक पिंक सी एस ई। पिंक सी एस ई, पिंक सी एस ई की यानी इसकी बात हो रही है, इज 10 मोर द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक पिंक मैक। पिंक मैक से ये 10 ज्यादा है, यानी ये एक्स है तो ये एक्स प्लस 10 होगा, ये गिवन है। ठीक है, अब देखो आगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक येलो सी एस ई इज 10। येलो सी एस ई वो 10 है,
यानी ये तो कितना है, 10 गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक येलो, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक येलो इन ई सी ई, येलो इन ई सी ई यानी इस वाले डिपार्टमेंट की बात हो रही है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ब्लू मैक। ब्लू मैक में 25 है तो ये 25 के इक्वल है, तो ये सारा हमारी वैल्यू आ गई। अब देखो एक बारी ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लो कितना हो गया, ये तो 100 हो ही गया था, यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 3 25 प्लस 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 20 50 प्लस 50 100, ये भी 100 हो गया आपका। ये ऐड कर लो 30 40 और 40 प्लस 60, ये भी 100 हो गया, ठीक है। 3 3 6 2 8 1 9 एंड 1 10, ये भी 100 हो गया। ये वाला चेक करते हैं कितना हो गया, ये 45 प्लस 35 कितना हो गया, 80, ये तो 80 आ गया। अगर आप ये सारा ऐड करोगे तो देखो आप, ये आ गया आपके पास में 80 प्लस 2x प्लस 10 यानी 90 प्लस 2x। अगर आप 80 प्लस 2x प्लस 10 देख रहे हो, और अब देखो 90 प्लस 2x आ गया, ये 90 प्लस 2x। अब यहाँ पे सोचो कि टोटल कितना हुआ, 100 200 300 और 300 90 प्लस 2x हो गया, 300 भी तो था बाहर वाला, तो टोटल कितना हो गया 300 90 प्लस 2x, और टोटल हमें कितना गिवन है, 450 गिवन है, तो ये 450 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी, दूसरी साइड 390 माइनस हो जाएगा, 390 माइनस हो जाने के बाद में कितना बचेगा, 60, एक्स की वैल्यू 30 आ गई। अगर एक्स की वैल्यू 30 आ गई तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 30, ये वाली वैल्यू 40 हो जाएगी। अगर हमें टोटल निकालना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 40 80 प्लस 40 120 प्लस 30 150, तो 150 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा, 150। अब देखो पूरा हमारे पास चार्ट बन गया है, अब हम निकाल सकते हैं अपने सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी हमें गिवन होंगे, ठीक है। ये हमारे हर टाइप की येलो और पिंक सारे आ गए, चलो क्वेश्चन करके देख लेते हैं ये वाले। यहाँ पे गिवन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक पिंक एंड ब्लू, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक पिंक एंड ब्लू, तो पिंक एंड ब्लू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 और 150 हैं, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 50, तो 50 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैक टू सीएसई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैक, यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, मैक का टोटल कितना होगा, ये 5 यहाँ पे दे देंगे तो 30 30 30 90 आ जाएगा, 90 प्लस 10 100, और मैक के बाद में सीएसई भी चाहिए तो ये भी ऐड कर लेते हैं, 4 15 50 50 प्लस 50 100 100, तो रेशियो क्या होगी, 1:1, दोनों की सेम रेशियो है, 100:100 तो 1:1 आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक पिंक, डिफरेंस पूछा है बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक पिंक, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक पिंक, पिंक कितने हैं, 150, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक पिंक इन ई सी ई और ट्रिपल ई, दो ही डिपार्टमेंट में चाहिए हैं, ई सी ई ट्रिपल ई, तो पिंक की बात करते हैं, ई सी ई ट्रिपल ई पिंक, ये दोनों यानी 40 45 35 45 35 45 35 कितना होगा, 80 80, और एवरेज निकालना है तो 80 का एवरेज 40 हो जाएगा, क्योंकि दो ही उससे लेने हैं, डिफरेंस ये है। एवरेज किस किस का, येलो ई सी ई मैक, येलो ई सी ई मैक, ये रहा येलो, और ई सी ई कितना है 25 और मैक कितना है 35, अगर आप टोटल देखोगे तो कितना हो जाएगा, 60, 60 का एवरेज निकालोगे तो 32 से डिवाइड करना पड़ेगा, 40 माइनस 30 10 आ जाएगा, तो 10 हमारे पास आंसर होगा, ऑप्शंस, तो ये हमारे पास बिल्कुल सही आंसर आ गया है, ठीक है। ये देखो पूरी पजल हमने बना ली, पजल कह रहा हूँ, डीआई हमने पूरी अच्छे से सॉल्व की, हर एक चीज अलग अलग, बस आपको एक टेबुलर फॉर्म में डाटा कन्वर्ट करना था, ठीक है। कैसलेट डीआई यहाँ पे गिवन थी, ये कैसलेट डीआई है, और यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में
एक डाटा कन्वर्ट किया और उससे फिर हमने अपने सारे क्वेश्चन कर लिए। तो हो सकता है इसमें 3 क्वेश्चन ही मिले या फिर 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। 3 या 5 क्वेश्चन आपके मेंस एग्जाम में यहाँ से दिखाई देंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप का एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करना, ताकि प्रैक्टिस होने के बाद आपको पूरी विजुअलाइज हो जाए कि डाटा कैसे कैसे आपको पुट करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ था नहीं, थोड़ा सा लेंदी था स्टेटमेंट, बाकी इतने लेंदी स्टेटमेंट आपकी एग्जाम में आती हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आराम से करो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम नेक्स्ट DI करेंगे। तो आप भी अपनी बता सकते हो कि आपको जिस DI में भी, जिस टाइप की DI में आपको प्रॉब्लम आती है, उस टाइप के भी हम फिर करने की कोशिश करेंगे। ओके, गुड नाइट एवरीवन।